जिला कांगड़ा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में करीब 20 क्विंटल माखन से मां की पिंडी का श्रृंगार किया गया है। 20 जनवरी को माखन को मां की पिंडी से उतारा जाएगा और इसे श्रद्धालुओं में प्रसाद स्वरूप बांटा जाएगा। प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में 7 दिवसीय घृत मंडल पर्व शुरू हो गया है। करीब 20 क्विंटल मक्खन से मां की पिंडी का श्रृंगार किया गया है। इस धार्मिक आयोजन को देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु कांगड़ा पहुंचे हैं। 20 जनवरी को मक्खन मां की पिंडी से उतारा जाएगा और इसे श्रद्धालुओं में प्रसाद स्वरूप बांटा जाएगा। मान्यता है कि इस मक्खन रूपी प्रसाद से चरम रोगों से निदान मिलता है। श्री ब्रजेश्वरी देवी मंदिर के मुख्य पुजारी राम प्रसाद ने बताया कि घृत मंडल पर्व के संबंध में कहा जाता है कि जालंधर दैत्य को मारते समय मां ब्रजेश्वरी देवी के शरीर पर कई चोटें आई थी और देवताओं ने माता के शरीर पर घृत का लेप किया था। इसी परंपरा के मुताबिक देसी घी को 101 बार शीतल जल से धोकर इसका मक्खन बनाकर माँ की पिंडी पर चढ़ाया जाता है। साथ ही मेवों और फलों की मालाएं भी चढ़ाई जाती हैं। मंगलवार देर रात तक मां की पिंडी पर मक्खन लगाने का काम जारी रहा। घृत मंडल पर्व जो नगर को माता ब्रजेश्वरी मंदिर में मनाया जाता है, रात को संपन्न हुआ है और लगभग 200 टीम घी का मक्खन बना करके मां की पिंडी के ऊपर चढ़ा दिया गया है। मेवों से श्रृंगार कर दिया गया है और अभी 7 दिन के लिए इसके दर्शन होते रहेंगे और 20 तारीख को सुबह 6 बजे ये मक्खन उतरने शुरू होगा और उतरने के बाद ये सभी जो मक्खन है यात्रियों में प्रसाद भी बांटा जाएगा, जो कि ये जो प्रसाद है ये घुटनों के दर्द के लिए और चर्म रोग के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, इसको प्रसाद रूप में बांटा जाए। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।